क्रिकेट में कब हुआ था एलबी डब्ल्यू का शुरुआत? कौन था इस तरह आउट होने वाला पहले बल्लेबाज? एलबी डब्ल्यू एक्सपीरियंस इन क्रिकेट। क्रिकेट का इतिहास कई सदियों से पुराना रहा है और यह खेल समय के साथ नए बदलाव भी लाया है। इस खेल के एक नियम का नाम है एलबी डब्ल्यू। एलबी डब्ल्यू है जिस लोग बेफकार विकेट की कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट का नया फैन है बना है उसके लिए एलबी डब्ल्यू को समझना पाना बेहद मुश्किल काम है हो सकता है। इसकी तरह यदि गेंदबाज के शरीर पर लगती है और इस समय वो स्टंप के ठीक सामने होता है तो जरूर नहीं उसे आउट करा दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस जटिल देखने वाले नियम को शुरुआत कब हुई थी। दरअसल 18वीं सदी में बल्लेबाज अक्सर आउट होने से बचने के लिए पेड़ का सहारा लेने लगे थे। इस कारण साल 1774 में पहली बार इसके लिए एक नया नियम बनाया गया था। अब विकेट के सामने गेंद अगर पेड़ के टकरा जाती है तो बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है। काफ़ी समय तक नियम में बदलाव और उसमें सुधार का दौर जारी रहा, लेकिन 1935 में एलबीडब्ल्यू नियम में एक नया पहलू जोड़ा गया। नए नियम के मुताबिक यदि गेंद हाफ स्टम्प के लाइन के बाहर टप्पा खाई है तब भी यदि बल्लेबाज को स्टम्प के सामने पाया जाता है तो उसे आउट करा दिया जाएगा। ऐसे में लेग स्पिन गेंदबाजों को समर्थन करने वाली लोग ने इस नियम का विरोध किया। कई दर्शकों ने विरोध के बाद 1972 में नियमों में एक नया पहलू जोड़ा गया। इसके तहत यदि कोई बल्लेबाज शॉट ना खेलने के इरादे से अपनी बैट को पीछे ही रखता है तब यदि गेंद लेग स्टंप के लाइन के बाहर टप्पा खाती है तब भी उसे आउट दिया जा सकता है। मगर मौजूदा नियम के हिसाब से यदि बल्लेबाज क्रीज से 3 मीटर या आगे निकल जाता है तो उसे पेड़ या शरीर पर गेंद लगने के लिए आउट नहीं दिया जा सकता। कौन था एलबी डब्ल्यू में आउट होने वाला पहले बल्लेबाज? एलबी डब्ल्यू नियम में आउट होने वाला पहले बल्लेबाज धीरे कॉनर थे। 1900 में पेरिस ओलंपिक खेल में इंग्लैंड का मैच फ्रांस से हो रहा था। उस मैच में इंग्लैंड बल्लेबाज कॉनर को फ्रांस के डेब्यू एंडर ने आउट किया था। वही इस नियम से आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ना ओल जोसमल थे, जिन्हें 1932 में इंग्लैंड के बोलर नेविस ने आउट किया था।